नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों, मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो यूपी टेट की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही खास ये वीडियो होगा, क्योंकि हमने इसमें उन प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो यूपी टेट 2018 में पूछे गए थे। इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगा कि संस्कृत के किस पार्ट से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है, जिससे आप उसी पार्ट की तैयारी करें। देखिए होता क्या है, अधिकतर लोग बस पढ़े जा रहे हैं, क्या पढ़ना है ये नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए, चलिए यहाँ पर मैं आपको जो बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे लैंग्वेज सेकंड का जो ऑप्शन लेते हैं संस्कृत का, ठीक है, तो उनके लिए स्पेशली वीडियो डेडिकेटेड है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो यूपी टेट 2018 होता है, इसमें संस्कृत से संबंधित कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए, यहाँ पर एक तो प्रश्न आपका आया था व्यंजन संधि का उदाहरण आया था, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न था व्यंजन संधि का उदाहरण है, तो वहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे जो कि अदर क्या थे भाई, आपके विसर्ग संधि लीजिए या फिर स्वर संधि लीजिए, इनके ऑप्शन थे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर था वो था सत धन जन बराबर सज्जना, ठीक है। तो ये आपका उत्तर सही था, ये कह लीजिए कि आपका व्यंजन संधि से एक प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न आपका था उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। तो देखिए आप यहाँ पे ये वयम, ठीक है, तो वयम जो है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम था, बाकी अन्य पुरुष से थे, ठीक है। अगला था द्विधातु में कितन प्रत्यय का प्रयोग करने पर रूप बनता है, तो धृति, ठीक है, तो कितन प्रत्यय, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि प्रत्यय से रिलेटेड भी वीडियो आपकी पड़ी है यूट्यूब चैनल पे आपके, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और संस्कृत में मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में बताया, इससे आपको ये मदद मिलेगा कि किस सेक्टर से प्रश्न उठाए जाते हैं। तो व्यंजन संधि से प्रश्न हुआ आपका, एक हो गया ये आपका सर्वनाम से रिलेटेड, ये हो गया आपका प्रत्यय से संबंधित प्रश्न। अगला प्रश्न आपका था ड का उच्चारण स्थान है, तो देखिए इसका भाई मूर्धा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दें, जो व्यंजन आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपको पता चला होगा कि, ठीक है, कि का वर्ग होता है, ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ठीक है, ऐसे। तो जैसे का होता है भाई कंठ होता है, ठीक है, चा का होता है दंत होता है, टा का होता है मूर्धा, ठीक है। तो ये टा ठा डा, ठीक है, तो डा इसी के अंतर्गत आएगा ना, तो ये मूर्धा हो जाएगा, ठीक है। अगला है चौरभ्यम पद में प्रयुक्त तत्पुरुष समास किस विभक्ति का है, तो ये होता है पंचमी विभक्ति का। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था भाई प्रतिन शब्द में विभक्ति और वचन है, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन था। नधा शब्द में विभक्ति और वचन, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का ये शब्द है। देखिए यहाँ पर आपको बता दें, अगर हम बात कर लें स्पेशली यूपी टेट 2018 की, तो इसमें विभक्ति से कुछ ज़्यादा ही प्रश्न पूछे गए थे, जबकि पिछली परीक्षाओं में ऐसा नहीं है, इसमें आपको कुछ ज़्यादा ही मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप देखें तो विभक्ति से एक ये हो गया आपका, ठीक है, ये दूसरा हो गया और ये आपका तीसरा प्रश्न, ठीक है, तीन प्रश्न आपको यही मिल जा रहे हैं विभक्ति से। अगला है खणवती हिंदी संख्या बोधक है, तो देखिए ये 96 का होता है, ठीक है। तो एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भैया, कि संस्कृत में गिनती से संबंधित एटलीस्ट वन प्रश्न तो आपका आ ही जाता है, और गिनती आपको 1 से 100 तक याद होना चाहिए, ठीक है, इसी से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न आते हैं। भावत क्रियापद में प्रयुक्त लकार पुरुष और वचन है, तो देखिए ये लोट लकार का है, मध्यम पुरुष और बहुवचन है, ठीक है, भावत। अगला है सर्वनाम शब्द नहीं है, तो अब आपने देखा कि यहाँ पे सर्वनाम से रिलेटेड आपके दो प्रश्न मिल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन है यूयम तौ तस्मय, ये सब सर्वनाम के अंग हैं, ये आपका आप जो है सर्वनाम नहीं है। स्वस्ति पद के योग में प्रयोग की जाने वाली विभक्ति है, तो देखिए यहाँ पे चतुर्थी है, आपने देखा आई थिंक चौथा प्रश्न है ये विभक्ति से रिलेटेड, ठीक है। कादंबरी ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो बाणभट्ट हैं, बिल्कुल आप जानते हैं। अगला है महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे दिया यहाँ पे संबंधी के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा उनका नाटक है, तो भाई ये आपका कुमार शंभवम, ठीक है। यहाँ पर रचनाएं तो सब उन्हीं की हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है नाटक, तो ठीक है कुमार शंभव होगा, ये ध्यान देना, नहीं तो आप कहें कि अरे ये तो उन्हीं के हैं, है ना। छंदानुगत शिक्षण प्रणाली होती है, तो देखिए भाई छंद जिसमें होते हैं वो पद, ठीक है, पद गद्य पद आप जानते हैं ना।
शुद्ध वाक्य है तो देखिए यहाँ पर ये पूछा गया था तम ग्रहम गच्छसि, ठीक है। अगला है वने अपि पदे कह संधि, तो ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण है, पूर्व रूप संधि से भी एक प्रश्न आपका आ गया था। नीति मार्ग के न पलंग्यति कुलीना, ठीक है, तो ये आपका था। तत्रयो में संधि है तो देखिए यहाँ पे वृद्धि संधि है, ठीक है, इसमें तो यहाँ पे संधि से रिलेटेड आपने देखा भाई कितने हो गए, ये आपका एक था, एक पहला व्यंजन संधि था, दो एक तीन प्रश्न आपके संधि से रिलेटेड हो गए अभी तक में, ठीक है। संस्कृत में आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है, तो भाई इनकी संख्या कितनी है, चार है, ठीक है। अनुरूपम में समास है तो अव्ययी भाव समास है, देखिए अव्ययी भाव में क्या होता है, शुरू में अव्यय जुड़ा होता है ना, अव्यय या आपका उपसर्ग। अगला है कौन स्वर हस्व है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए भाई हस्व स्वर का उदाहरण यहाँ पे आपका ओ है, ठीक है। अगला है सायुक्ते प्रधाने सूत्र किस विभक्ति का बोधक है, तो तृतीय विभक्ति के अंतर्गत आता है सायुक्त प्रधाने, ठीक है। तो यहाँ पे विभक्ति से रिलेटेड आपके पांच या छह प्रश्न हो गए ना, विभक्ति शब्द से रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको मेरा ये बताने का मकसद यही है कि आपको समझने में मजा आ जाए, ठीक है, समझ में आ जाए। अगला है बालकः वपि शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो देखिए इसका संधि विच्छेद होगा बालकः धन अपि, ठीक है, संधि से रिलेटेड आपकी शायद ये चौथा प्रश्न है, ठीक, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, चौथा है आई थिंक, ठीक है। तो देखिए अगला है बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो भाई बकह कहते हैं, सुना होगा आपने बको ध्यानम काक चेष्टा, ठीक है, तो बको ध्यानम मतलब बगुले की तरह ध्यान लगाना, ठीक है, तो ये बगुले को संस्कृत में बकह कहते हैं। हरयः क्रध्यन्ते में हरये में कौन सा कारक है, तो देखिए यहाँ पे संप्रदान कारक है, ठीक है। अस्मद शब्द का षष्ठी बहुवचन रूप है, ठीक है, तो ये देखिए इसका होता है न होता है, ठीक है। अगला है आपका प्रश्न रमा शब्द का चतुर्थी एकवचन रूप क्या होगा, तो भाई रमा होगा, ठीक है, रमा ही होगा, ठीक है। तो देखिए अगला है पितृ शब्द का सप्तमी एकवचन रूप क्या होगा, तो इसका होगा पितर ही होगा, ठीक है। इकह प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं, तो देखिए इसके अंतर्गत आपके आते हैं ई ऊ री ल्रा, ठीक है, तो ये वर्ण आपके आते हैं इक प्रत्याहार के अंतर्गत। देखिए यहाँ पर आप इसको महेश्वर सूत्र को याद कर लेंगे, बहुत आसानी से इसको पकड़ लेंगे, थोड़ा सा आपको कठिन लगता होगा लेकिन इजी है, आपको याद हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं याद हो रहा तो आप बताइए, मैं याद करवा दूंगा, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। देखिए आपका जो अगला प्रश्न पूछा गया था वो ये पूछा गया था माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो संख्या है भाई 14 है, ठीक है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है। तो देखिए ये आपके प्रश्न पूछे गए थे यूपी टेट 2018 में। देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ इसको इसलिए एनालाइज किया और यहाँ पे रखा जिससे आपको मदद मिल जाए ये समझने में कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको संस्कृत का अगर नोट चाहिए तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस पर संपर्क करिएगा, थोड़ा बहुत जो भी चार्जेस होगा आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और आप ऑल सब्जेक्ट्स की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नोट्स से पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आपको बना बनाया मिलता है, सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ क्या है पढ़ना है, आप खुद बनाएंगे तो टाइम काफ़ी जाएगा, बाकी खुद बनाएं तो बेहतर रहेगा। फिलहाल जैसा भी आपको सही लगता है तो आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।